अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है यह है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की डेफिनेशन, इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, इसका यूनिट, इसके बाद इसके चांद एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बाद ट्रेंड, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है। हम इस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू को इस्तेमाल करके किसी भी कंपाउंड की आयनिक नेचर, कोवलेंट नेचर, पोलर और नॉन पोलर नेचर को मालूम कर सकते हैं। ये चंद बातें आपने आज याद रखनी है, यही चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है सारे के सारे। सबसे पहले बात आ जाएगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या है। सबसे पहली बात आ जाती है इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ले लें, ये है क्या। ये मैं कहता हूँ जी, दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये। अब इन दो हाइड्रोजन एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सेम इसी तरह ये वाला जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर हुए पड़े हैं, क्या हुए हैं, शेयर। शेयर का मतलब क्या है कि दोनों एटम के अंदर काउंट किए जा रहे हैं, शेयर। और इसको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर कहते हैं जोड़े को ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि दो एटम्स के दरमियान में, दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान में मौजूद है, इसको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता यह है कि ये हाइड्रोजन एटम भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये हाइड्रोजन एटम भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाती है, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नाम देते हैं। इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नाम दे रहे होते हैं। ये बात आपने अच्छे तरीके से जेहन में रख लेनी है। अब यहाँ में हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन हमारे पास आती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी, एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, एबिलिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, ये असल में एटम की सलाहियत है टू अट्रैक्ट, खींचने की, टू अट्रैक्ट, खींचने की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है टुवर्ड इट्सेल्फ, टुवर्ड की तरफ, इट्सेल्फ अपने, टुवर्ड इट्सेल्फ अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इसको हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नाम दे रहे होते हैं कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हर एक एटम अपनी तरफ खींचता है। इस साइड वाला भी एटम अपनी तरफ खींच रहा है, इस साइड वाला एटम भी अपनी तरफ खींच रहा है। इस अट्रैक्शन को, इस खींचने के अमल को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास इसका यूनिट। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये असल में रेशो है दो चीज़ों के दरमियान में, कंपेरिजन है। और जहाँ पे कंपैरिजन होता है उसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये आगे जाकर पता चल जाएगा क्यों नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसको हम जाहिर किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, हम इसका इजहार किस तरह कर रहे होते हैं। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है कि इलेक्ट्रो ई ले इलेक्ट्रो का और नेगेटिविटी का एन लें, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ई से मुराद इलेक्ट्रो है, एन से मुराद नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आ जाती है, वह एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में अगर बात करूँ ना, दो तीन एग्जांपल्स आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से जहन में। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी वैल्यू किस चीज़ की, फ्लोरीन की, वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 4.0, ये 4.0 होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे याद रखिएगा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 3.2। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्बन की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन एटम इज 2.5। और लास्ट वाली चीज़ एक और एग्जांपल लिख लें, चार एग्जांपल बहुत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन की हमारे पास आती है 3.0
0। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज़ हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0 होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वाली चीज़ एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है, 4.0। और आपके पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जिस एटम की है, जिस एलिमेंट की है, वो कौन सा है? फ्लोरीन। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू फ्लोरीन की वैल्यू से कम होगी, 4 से बड़ी किसी की वैल्यू नहीं होगी। पूरा पीरियोडिक टेबल देख लें, 4 से बड़ी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। ये हमारे पास एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है। अब इसकी मेजरमेंट किस तरह करते हैं, हम इसकी मेजरमेंट किस तरह कर रहे होते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, मेजरमेंट। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मेजर की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मसलन मैं कहता हूँ जी मेरा वज़न 85 किलोग्राम है, मैंने अपने वज़न का 85 किलोग्राम, मैं लास्ट में किलोग्राम लिख रहा हूँ, मैंने किलोग्राम के साथ कंपेयर किया। इसका मतलब ये है कि मैं एक साइड 85, एक एक किलोग्राम के 85 बॉट रखूँ और अपने आप को एक साइड पर रखूँ, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सेम इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसी एलिमेंट की मालूम करनी पड़ जाए तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन एटम के साथ कंपेयर करके हम बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मालूम कर रखे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो मेजरमेंट की जाती है वो किस तरह की जाती है? फ्लोरीन एटम के साथ कंपेरिजन करके, मुआजना करके। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को हम किस तरह मालूम कर रहे होते हैं? इज मेजर्ड, इसको हम मालूम कर रहे होते हैं मेजर्ड बाय द कंपैरिजन, बाय द कंपैरिजन, मुवाजने से मालूम कर रहे होते हैं, कंपैरिजन विद फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन के साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं, मालूम कर लेते हैं। और याद रखिएगा जो फ्लोरीन एटम को हमने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0 दी गई, ये कैसे मालूम की है? ये भी तो आ सकता है ना, चलो जी हमने ये मालूम कर लिया जी बाकी चीज़ों की, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम मुवाजना कर रहे थे फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन की कहाँ से आई? फ्लोरीन को आर्बिट्रेरी वैल्यू दी गई है। आर्बिट्रेरी कहते हैं जो खाली होती है, खुद दे देते हैं कि फ्लोरीन को हमने 4.0 खुद दी है, बाकी जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट्स हैं हमारे पास उन सब की कंपैरिजन कर रहे होते हैं फ्लोरीन के साथ। उन सब का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे होते हैं? फ्लोरीन के साथ। द वैल्यू या आर्बिट्रेरी कह लें, आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ, जो आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है किस चीज़ की? ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम इज 4.0। ये कितनी होती है? 4.0 होती है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जी, पीरियोडिक ट्रेंड। हेडिंग दे दो जी नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड। अब जो मेन चीज़ ऊपर याद रखने वाली है ना वो ये है कि ये असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके दरमियान में? न्यूक्लियस के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, ऐसा ही है। अब जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उन एटम्स की ज़्यादा होगी। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही। सबसे पहली बात जो हमने पीरियोडिक ट्रेंड में अलॉन्ग द पीरियड बात कर लेते हैं, अलॉन्ग द पीरियड। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या काम हो रहा था? अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, चेक कीजिएगा क्या काम होगा। मसलन मेरे पास एटम्स इस तरह हैं पीरियड्स में, ये पहला एटम है मेरे पास। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम एटम का साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, स्मॉलर होता जाता है। मैं यहाँ पे इन दो की बात कर लेता हूँ, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, सेम इसी तरह न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए यहाँ पे, सेम इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए। अब ये वाला न्यूक्लियस इनको स्ट्रॉन्गरली या फिर पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा पावरफुली, ये वाला पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला कम हो गया है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पर याद रखिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जा रहे होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से अब जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज
द वैल्यू, जो कीमत होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की जो कीमत होती है, वैल्यू होती है ऑफ फ्लोरीन, सॉरी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ जाती है, इज इंक्रीज, ये बढ़ जाती है इंक्रीज्ड व्हेन वी मूव, जब हम जा रहे होते हैं, व्हेन वी मूव, जब हम हरकत कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, अब बढ़ती क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये चंद एक वजूहत हैं, फॉलोइंग रीजंस, कौन कौन सी रीजंस हैं जी, ये बातें आपने याद रखनी है। पहले नंबर पे, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं एटम का साइज कम हो जाता है, एटम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, द साइज ऑफ एन एटम इज, द साइज ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का साइज क्या होता है, पीरियड में डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। और सेकंड रीजन हमारे पास ये होती है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं पीरियड के अंदर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह है कि न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रोंगर होता जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है, स्ट्रोंगर होता जाता है, बस ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है। सेकंड हमारे पास है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है, इनको अपने जहन में रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर जो चीज़ आ जाती है, अलोंग द पीरियड है डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक ट्रेंड हम जो डिस्कस करेंगे, डाउन द ग्रुप यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं डाउन द, तो क्या काम हो रहा है, डाउन द ग्रुप, कहते जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आए तो चंद एक बातें याद रखनी है। पहले नंबर पे, जब हम ग्रुप के ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एटम का साइज इस तरह होता है, बढ़ता जाता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ने की रीज़न ये होती है कि असल में नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, क्या होते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन टॉप वाले पे होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, सबसे कम अट्रैक्शन होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा, कम खींचने का तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, यानी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ क्या काम हो रहा था, पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये चंद एक वजूहत है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये चंद एक वजूहत है, वो कौन कौन सी वजूहत है, फॉलोइंग रीजन्स, सबसे पहली वजह तो ये है कि एटम का साइज ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, एटम का साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, एटम का साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सही है वाली बात, द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज, द साइज ऑफ एन एटम, एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज, बढ़ने की वजह, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ये हमारे पास पहली रीजन है। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड रीजन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, कौन सी चीज़ बढ़ती जाती है, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट को एक और भी नाम देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर इसको नाम देते हैं जी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ये वाला काम हो रहा होता है। अब याद रखिएगा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको हम नाम देते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कम कर देते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, जब टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, दरमियान में इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक और ज्यादा कम हो जाएगी, और इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। ये दो रीजन होती है जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लास्ट वाली चीज हमारे पास आएगी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ ना, तो ये हमें अगर किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का पता हो, किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का पता चल जाए, तो आप ये बता सकते हैं कि आया वो जो कंपाउंड है वो आयनिक है, कोवलेंट है, किस तरह का है। तो ये पहले नंबर पे हमें आयनिक और कोवलेंट नेचर मालूम करने में मदद देती है। मसलन किस तरह, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस दो तरह के हो सकते हैं, कौन से, या तो 1.7 से ग्रेटर होगा, या क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन 1.7, ग्रेटर देन 1.7 या फिर स्मॉलर देन 1.7 होगा, स्मॉलर देन 1.7। ये दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 1.7 से ज़्यादा हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, या फिर 1.7 से कम होगा। अगर जो ग्रेटर है तो वो बॉन्ड होगा आयोनिक, कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, कौन सा बॉन्ड होगा हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड होता है। अगर इससे कम है तो इसको कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आयोनिक होगा कब कोवलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो वो आयनिक बॉन्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम आता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब डिफरेंस का क्या मतलब है ये याद रखिएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ जी मेरे पास HCl है, मेरे पास HCl के दरमियान में बॉन्ड पता करना चाहता हूँ आयनिक है या कोवलेंट है। आपको सबसे पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का पता हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का पता हो। चलिए जी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑलमोस्ट होती है 2.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है मैंने यहाँ पर लिखी है 3.2 होती है, कितनी होती है 3.2। अब इन दोनों का फर्क निकालो, फर्क का मतलब डिफरेंस का मतलब क्या आता है, एक वैल्यू लो उसमें से माइनस करो दूसरी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू ले 3.2, ये डिफरेंस निकालने लगाओ, एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ले उसमें से निकाल दो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को, और हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.2। ये जो 1.2 है ये 1.7 से बड़ा है, ये छोटा है, छोटा है, तो कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, कोवलेंट। ये वाली चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस मालूम करके पता लगा के आप ये लगा सकते हैं कि आया बॉन्ड आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और भी चीज़ याद रखिएगा, एक और है हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, ये भी एक याद अच्छे तरीके से रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस दो तरह के, मजीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिफरेंस। वैसे अगर मैं इसको और कहूँ ना, ये इस चीज़ का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज़ को कोवलेंट बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हमारे पास इस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के, या तो 0. ये वाली वैल्यू याद रखें 0.4 से बड़ा और 0.4 से छोटा। यहाँ पे क्या होगा 0.4 से इस साइड पर जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगी, लार्जर, क्या होगी लार्जर, मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 1.5, 1.2, यानी जो भी इस साइड पे इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस आ रहा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। उस साइड पे क्या होगा, स्मॉलर होगा, उस साइड पे स्मॉलर होगा, छोटा होगा। अब अगर तो 1.4 से, यानी इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस अगर आपके पास 0.4 आ रहा है, 0.4 से छोटा है, तो वो हमारे पास बॉन्ड होगा नॉन पोलर, क्या होगा, नॉन
पॉलर, और अगर 0.4 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? पॉलर। भाई ये बात आपने जहन में रखनी है, ये दो इसके इंपॉर्टेंस है। मतलब हम आयनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर मालूम कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे आयनिक और पॉलर और नॉन पॉलर नेचर मालूम की जा सकती है। कौन सी नेचर? पॉलर और नॉन पॉलर। ये था जी हमारे पास सारे का सारा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। सिंपल सी बात याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का वर्ड आए कहीं पे तो आपके जहन में एक ख्याल आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है। और याद रखिएगा 12वीं क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। वहाँ पे वर्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हर एक टॉपिक के अंदर लाजमी दिया होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का वर्ड लाजमी दिया होता है, इसलिए इसका मतलब याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है। जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, मुझे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम भी खींच रहा होता है और दूसरा एटम भी उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का अमल है, यह क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ये सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।